आंकड़े अभी सामने आए हैं, शुरुआती दौर में बीजेपी को एक अच्छी बढ़त मिल रही है, कैसे देखते हैं इन परिणामों को? देखिए कि नतीजे बता रहे हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है। जो मातृशक्ति का अपमान करते हैं जो लोग, उनको जनता ने इस चुनाव में भरपूर सबक सिखाया है। हम सांवेर में जीत का नया इतिहास रचने जा रहे हैं। अच्छा, आपने नारा दिया था साधु और शैतान का, आपको पता लग गया जनता ने तय कर दिया कौन साधु कौन शैतान? हाँ, तो ये तो जनता ने बता ही दिया ना, आपको भी पता ही चली गया होगा कि कौन से। हम तो पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोल रहे थे, आप उसको केवल सांवेर के संदर्भ में ले रहे थे। चुनाव से पूर्व प्रत्याशियों को टिकाऊ और बिकाऊ बोला जा रहा था, अब जब चुनाव लगभग बोला जा सकता है जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब बोला जा रहा है कि जनता बिकाऊ हो गई है, कैसे देखते हैं कांग्रेस की तरफ से ये सुर उठे? देखिए, पहले तो मातृशक्ति का अपमान करते हैं, वो जनता का भी अपमान कर रहे हैं कि बिकाऊ। आपकी रणनीति क्या रही थी सांवेर में? पूरा आप थे, मैनेजमेंट आपका था, किस तरह का मैनेजमेंट था ये जीत के? सांवेर का किंग मेकर आपको कहा जाए? देखिए, हम जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने वहाँ एक होकर चुनाव लड़ा और सब ने मेहनत की, सारे कार्यकर्ताओं ने, मुझे पूरा श्रेय वहाँ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के नेताओं को है, तो उन्होंने एक होकर और जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो प्रदेश नेतृत्व है, उसके मार्गदर्शन में काम किया और जनता को अपनी बात, जनता तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे। समर्थक कह रहे हैं कि एक बार फिर से मेंदोला जी कसौटी पर खड़े उतरे हैं, इस बार जो मंत्री पद की कसर रह गई थी वो पूरी कर देनी चाहिए। सभी कार्यकर्ता कसौटी पर खड़े उतरे हैं। जीत का क्या दावा, ये आंकड़े कहाँ जाके रुके, कोई रिकॉर्ड बनेगा आपको लगता है? सांवेर में हम जीत का नया इतिहास रच रहे हैं, अभी धीरे आपको पता चलेगा। आपको क्या लगता है जो नर्मदा का मुद्दा था, जो आपने यात्राएं निकाली पहले, उसके बाद फिर जो नर्मदा माई वाला जो था, वो ज़्यादा क्लिक किया? सारे मुद्दे से जो बातें हमने जनता के बीच में रखी थी, अपनी बात जो हमने जनता के बीच में पूछाई, वो हमने सब अच्छे से उसको जनता के बीच में रखा और जनता ने उसको स्वीकार कर, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ, और उसने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शिवराज जी के नेतृत्व में विकास होते हुए देखा है, और विकास की जो उनकी आशा है कि विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि 15 महीने के शासनकाल में कांग्रेस के सारे विकास के काम ठप हो गए थे। शिवराज जी जब से आए फिर वापस विकास के काम चालू हुए, तो जनता को विश्वास हो गया कि विकास केवल बीजेपी कर सकती है और शिवराज जी कर सकते हैं। ये मुझे ये मुझसे क्या, ये मेरे विषय, मेरा विषय नहीं है। हम सोच रहे हैं, बताइए ना क्या देखिए, आप 15 महीने पहले जो हार मिली थी उसी कैंडिडेट के सामने और आज उसी कैंडिडेट के सामने जीत मिल रही, तो आपको क्या लगा? लोगों ने तुलना करी कांग्रेस का के राज की और बीजेपी की सरकार ने जो काम किया उसमें, तो वही है पार्टी बदल गई। पार्टी भी डिफरेंस, हाँ, पार्टी के काम करने के तरीके, पार्टी का नेतृत्व, ये सारी बातें होती, तो सारी बातें को इंसान देखता है। और जब उन्होंने तुलना की कांग्रेस के शासन की और बीजेपी के शासन को, तो उनको लगा कि बीजेपी का शासन, शिवराज जी का नेतृत्व पूरा प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ है और उसको चुनना चाहिए, और जनता ने चुना। मुझे तो पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे। दादा ने बहुत महंगा कर दिया चुनाव। धन्यवाद।